हे गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक कॉलम किस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं, आपके प्लान के अकॉर्डिंग किस तरह का कॉलम हमें हाउस में लगाना चाहिए, साइज क्या होना चाहिए कॉलम का, और किस तरीके से आप उसकी प्लेसमेंट का ध्यान रखते हैं, लोकेशन कहाँ पर होनी चाहिए। अगर आप कभी भी कॉलम प्लेस करते हैं और उसकी स्पैन अगर ज़्यादा है, जो कॉलम टू कॉलम डिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो हमें कॉलम का फेस किस तरफ रखना चाहिए, हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर देखिए, रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ कॉलम्स लिए हुए हैं और साइज के अकॉर्डिंग लिए हुए हैं। तो किस तरीके से आप साइज एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है C1, तो जिसका साइज है 9 इंच बाय 18 इंच, ठीक है, 9 इंच बाय 18 इंच, तो मतलब 9 इंच का रहेगा आपका और 1.5 फीट आपका विड्थ रहेगा कॉलम का। इसी तरीके से C2 है, जो कि हमारा C2 अलग प्लेस पे यूज हो रहा है, जहाँ भी आप जैसे कम लोड आता है वहाँ पे आप हैवी कॉलम नेगलेक्ट करके और आप नॉर्मल कॉलम यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे लोड ज़्यादा आता है तो वहाँ पे आपको हैवी कॉलम और हैवी रिवर्स प्रोवाइड करना होता है। C2 आपका जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे आपका कम लोड आएगा 18 से, तो वहाँ पे हमने ये यूज किया है। C3 आपका और भी कम साइज़ का है, 9 इंच बाय 1 फिट का है, तो वहाँ पर हमने ये कॉलम यूज किया है। इसी तरीके से हमने फुटिंग प्रोवाइड किया कि फुटिंग कितनी होनी चाहिए। अगर आप इस साइज़ का कॉलम यूज कर रहे हैं तो उसका 5 फिट बाय 5 फिट का आपका फुटिंग का एग्जीबिशन वर्क होना चाहिए राउंड, ठीक है। स्क्वेयर 9 इंच बाय 12 इंच आप यूज करें तो 4 बाय 4 का आपका जो डिगिंग होगा, आपका एग्जीबिशन वर्क होगा, खुदाई होगी, वो आपको करना है। नॉर्थिंग ईस्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है आपके कॉलम्स पे, बस आपका स्पैन के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपका स्पैन 15 फिट है तो आपको कॉलम का साइज बढ़ा देना होता है। जिस साइड आपका स्पैन ज़्यादा है उसी तरह आपको कॉलम का फेस रखना होता है। इस तरीके से आप कॉलम के साइज रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा जब आप प्लानिंग में कॉलम प्लेस करते हैं, जैसे इस कॉर्नर पे हमारा कॉलम आ रहा है, फिर यहाँ पर हमारा कॉलम आ रहा है, फिर यहाँ पर, सभी कॉलम आप देखेंगे कि अलाइनमेंट में है। अगर कोई कॉलम अलाइनमेंट में नहीं है तो उस कॉलम के ऊपर ऊपर जाकर भी वही बीम जब बनेगा तो डायरेक्ट बीम आपका ये वाला जो यहाँ पर जो बीम आएगा वो डायरेक्ट यहाँ तक कनेक्ट होगा, ठीक है, जो कि इस वाले बीम को ओवरलैप करेगा। फिर ये वाला जो बीम है वो कॉलम है जो यहाँ पर बीम जो आएगा वो यहाँ पर ओवरलैप करेगा। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, पूरा एक ट्रैप बना देते हैं बीम कॉलम्स का। बीम प्रॉपर हर एक फील्ड में ओवरलैप करेगा, जहाँ भी आपका कॉलम नहीं आ रहा है वहाँ से भी वो जा सकता है फ्लैट बीम, ठीक है। इस तरीके से हम कॉलम का, जैसे C1 हमारे पास, जहाँ पे आपने C1 यूज किया वहाँ पे आपको C1 रिप्रेजेंट होगा। C1 का साइज आपने 9 इंच बाय 12 इंच लिया या 9 इंच बाय 18 इंच लिया तो C1 हो गया। C2 का साइज आपने लिया हुआ है 9 इंच बाय 15 इंच, जो हमने यहाँ पे देखा था C2 आपका 9 इंच बाय 15 इंच है, ठीक है। इसी तरीके से C3 आपका क्या है, C3 का आपका साइज है 9 इंच बाय 12 इंच, जो हर एक जगह अलग अलग यूज हो रहा है। तो इस तरीके से आप कॉलम लेआउट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। काफ़ी बार अगर अलाइनमेंट में नहीं है, जैसे ये कॉलम हमारा सेम अलाइनमेंट में तीनों, बट ये हमारा थोड़ा अलाइनमेंट से हटकर है, तो इस कॉलम का जो बीम आएगा वो बीम यहाँ तक आपका कनेक्ट रहेगा ऊपर की तरफ इस साइड से। जैसे अभी स्पैन ज़्यादा था तो हमने क्या किया, ये वाला जो फेस था कॉलम हम ऐसे भी तो लगा सकते थे, बट हमने नहीं किया क्योंकि हमें स्पैन ज़्यादा करना है। यहाँ पे ज़्यादा कॉलम आ रहे हैं तो यहाँ पे फेस मेंशन नहीं करना हमें कि किस साइड लग रहा है, बट यहाँ पे देखिए 3 ही कॉलम में हमें पूरा एरिया कवर करना है, तो हमने स्पैन उस तरफ लिया जिस तरफ स्पैन ज़्यादा थी, यहाँ से और यहाँ तक का गैप ज़्यादा है, फिर यहाँ से यहाँ तक का गैप ज़्यादा है, तो तीनों का फेस एक डायरेक्शन में। अगर यही हमारे पास एक और कॉलम यहाँ पर होता है, एक कॉलम यहाँ पर होता, तो हम फेस उसका इस तरीके से भी रख सकते थे। तो ये होता है हमारा स्पैन के अकॉर्डिंग डायरेक्शन चेंज करना। कॉलम का साइज मैंने आपको बताया है। इस तरीके से आप नॉर्मल ग्रिड के साथ अलाइनमेंट में भी कर सकते हैं कॉलम लेआउट। बीम लेआउट हम आगे करेंगे, जो आप ड्राइंग में देखेंगे हम प्रॉपर रेविट में आपको कॉलम और बीम का पूरा प्लेसमेंट शो करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से साइज मेंशन होते हैं, जो साइज आपको यूज करना है उसके अकॉर्डिंग आपको रिप्रेजेंट भी करना होता है कि कौन सा बीम या कौन सा कॉलम आपने यूज किया है। यहाँ पर हमारे पास रेविट आर्किटेक्चर में एक प्लान ओपन है। अब इस प्लान के अंदर कोई भी हमारे पास बीम या कॉलम लेआउट नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ कॉलम और बीम्स प्लेस करेंगे। किस तरीके से आप कर सकते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। देखिए, हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर्स पे 20 फीट 4 इंचेस का हमारा विड्थ है और जो लेंथ है 24 फीट 2 इंचेस है। यहाँ पर हमारे पास जहाँ जहाँ पे कॉलम आने वाले हैं वहाँ पर हम कॉलम प्लेस करेंगे प्रॉपर। तो यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में हमारे पास यहाँ पर होता है कॉलम।
कॉलम के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, आर्किटेक्चर कॉलम एंड स्ट्रक्चर कॉलम। तो स्ट्रक्चर कॉलम क्या होता है, ऑलवेज जो भी जब भी आप हाउस बनाते हैं या कोई भी बिल्डिंग जनरेट होती है, क्रिएट होती है, तो वहाँ पर ऑलवेज स्ट्रक्चर कॉलम काम आता है, क्योंकि आर्किटेक्चर कॉलम में वो सारी प्रॉपर्टीज़ नहीं होती जो कि स्ट्रक्चर कॉलम में होती है। आर्किटेक्चर कॉलम सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर कॉलम का यूज करते हुए यहाँ पे कॉलम प्लेस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 इंच की हमारी वॉल है। आप डिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो डिस्टेंस चेक कर सकते हैं कि हमारी वॉल किस साइज़ की आ रही है यहाँ पर, इस तरीके से। तो ये 115 mm 4.5 इंचेस की वॉल है, ठीक है। इस तरीके से आप यूनिट चेक कर सकते हैं। बट कॉलम कभी भी 115 mm का तो हो नहीं सकता, तो हमें 230 mm का कॉलम कम से कम चाहिए होता है। उसके अलावा आप 300 mm का भी कॉलम यूज़ कर सकते हैं। 300 कॉलम आपका इनफ रहता है कोई भी G+2 फ्लोर के लिए, ठीक है। उसकी रीबार्स की प्लेसमेंट है, अगर आप हैवी रखना चाहते हैं तो हैवी रख सकते हैं, वो लोड बेयरिंग कर सकता है प्रॉपर। तो यहाँ पे हम कॉलम प्लेस करते हैं। सबसे पहले हम कॉलम ले लेते हैं 230x230 का, ठीक है। यहाँ से हम कॉलम चेंज कर लेते हैं, 230x230 हम यहाँ से ले लेते हैं, ओके। अब आपको यहाँ पे कॉलम प्लेस करना है। एक कॉलम हमारा यहाँ आ गया। 3D में हम जाके देखते हैं, हमारे पास कॉलम प्लेस हो गया इस तरीके से। ये हमारे पास कॉलम आ गया। अब कॉलम का हाइट क्या है, यहाँ से हमें लेवल 1 से लेवल 2 तक जाना है, तो हम लेवल 2 तक चले जाएंगे। फाउंडेशन आप कितना रखना चाहते हैं, मैं 1200 रखना चाहता हूँ, 4 फिट का ही फाउंडेशन रखना चाहता हूँ, तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। लेवल 1 से और बेस ऑफसेट -1200 रहेगा। टॉप लेवल आपका लेवल 2 तक रहेगा, और अप्लाई कर दीजिए तो आपका जो बेस लेवल है माइनस में भी रहेगा और आपका प्लस में फर्स्ट फ्लोर तक भी चला जाएगा। अब सेम कॉलम को आप कॉपी भी करवा सकते हैं, अदरवाइज आपको फिर से कॉलम लेना है तो आप कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आप सेम प्लेस भी कर सकते हैं। यहाँ से मैंने कॉलम लिया और मैं यहाँ पे सेंटर में प्लेस करना चाहता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या है, आपका जो साइज़ है वो कॉलम का ज़्यादा आ रहा है, हमारे डोर ओवरलैप करेंगे, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं इसकी प्लेसमेंट, या फिर डोर्स को मूव करवा सकते हैं आप, ठीक है। सेम ऐसे ही एक कॉलम हमें एंड में चाहिए, तो आप वो भी कॉपी कर सकते हैं, कॉपी, और यहाँ पर हमें एक कॉलम चाहिए, ठीक है। तीन कॉलम हमने प्लेस कर दिए। सेम तीन कॉलम हम नेक्स्ट एरिया में प्लेस कर देते हैं। 1 कंट्रोल के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन कॉपी। अब जैसे ही आप कॉलम प्लेस करेंगे, आप ये एरिया जो है वो प्लेस कर सकते हैं यहाँ पर। इससे क्या होगा, हमारे पास 6 कॉलम आ जाएंगे और इस तरीके से आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। बट आप आगे देख रहे हैं जहाँ पे स्टेयरकेस आ रहा है, यहाँ पर अगर आप कॉलम लगाते हैं तो ये विंडो के अंदर ओवरलैप करेगा। तो इस कंडीशन के लिए यहाँ पर स्पैन जो है वो क्या है, हमारी 9 फिट की स्पैन है सिर्फ। आप जो 230 mm का या 300 mm का जो कॉलम होता है वो 12 से 15 फिट तक ही यूज कर सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आपको कॉलम, या फिर आपको पता है कि आपका स्ट्रक्चर लोड लेगा, तो आपको कॉलम का साइज़ भी इंक्रीज करना पड़ता है। इसी के अकॉर्डिंग हम कॉलम अनदर कॉलम यूज कर लेते हैं। तो सेम कॉलम है हमारे पास, हम यहाँ पर CS प्रेस करते हैं और एडिट टाइप में जाके कॉलम का टाइप बना लेते हैं। यहाँ पर हमारा स्पैन 13 फिट है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 230x450 450 mm का कॉलम बना लेते हैं। तो कैसे प्लेस करेंगे, देखिए एडिट टाइप में आपको जाना है, यहाँ से डुप्लीकेट, और जो साइज आप रखना चाहते हैं जैसे 230x450, ठीक है, mm, ओके। यहाँ से आप 450 कर दीजिए, एक साइज जो है आपका 230 रहेगा, जो कि वॉल के अंदर ओवरलैप नहीं करेगा, और स्पेस के साथ आप इसकी प्लेसमेंट चेंज कर सकते हैं। अब हमें एक कॉलम यहाँ पर चाहिए जो स्टेयरकेस के अंदर ओवरलैप करे, हमें कोई इशू नहीं है, बट हमारा जो लोड बियरिंग है वो प्रॉपर रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 3D में देखा और स्टेयरकेस के पास हमारे पास ये कॉलम आ गया। अब कॉलम, ये जो कॉलम है वो भी हमें -1200 चाहिए, और कहाँ तक चाहिए, हमें लेवल 2 तक, एंड देन अप्लाई। लेवल 2 तक हम चले गए इसके अंदर। अब लेवल 1 पे हमें जाना है फिर से, और यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं इसी कॉलम को, सेलेक्ट कॉपी। अब ये कॉलम जो है हमारा वो कहाँ प्लेस करना है, यहाँ पर ये कॉलम हमें प्लेस करना है इस एरिया में, जो कि जो हमारा लोड है वो कंप्लीट लेस के अलाइन कर देते हैं हम इस टूल को, ओके, ठीक है। यहाँ पर जो कॉलम है ये स्पैन ज़्यादा था, हमने सिर्फ इसलिए 2 कॉलम लगाया। अगर आप चाहते हैं सिंगल एक और कॉलम यूज करना है, तो आप सिंगल कॉलम यूज कर सकते हैं यहाँ पर जहाँ पे स्टेयर केस आ रहा है। तो इस तरीके से आपका कॉलम प्लेस हो जाएगा, सेलेक्ट कॉपी, इस तरीके से आप कॉलम प्लेस कर सकते हैं। इस तरीके से आप कॉलम प्लेसमेंट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर कोई भी एरर लगता है, तो आप सिंपली
230 बाय 230 का भी कॉलम यूज कर सकते हैं, जिसमें क्या होगा वो वॉल टू वॉल ही रहेगा आपका कॉलम, वॉल से बाहर नहीं आएगा। बट आपकी वॉल ही 115 mm की है तो आपका 115 mm का कॉलम बाहर दिखेगा। कॉलम जो होता है हमेशा वो अलाइनमेंट में होना चाहिए, तो आपको ये रूम की तरफ ओपन करना पड़ेगा या फिर आपको जो सेकंड कॉलम आ रहे हैं वो आपको इस तरफ ओपन करने होंगे। तो ये जो एरिया है स्पैन का वो इसमें कवर कर लेगा हमारा कॉलम, ठीक है। अगर आप ये कॉलम भी यूज नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि दोनों फेस पर कॉलम यूज करें, तो वो भी आप कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए इसको, या फिर यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलम, और यहाँ पर आप प्लेस करवा दीजिए इसको कि एक साइड हमारा ओवरलैप फिनिश रहे, एक साइड हमारा एडजस्टमेंट होकर रहे ये प्रॉपर। तो इस तरीके से भी आप प्लेस कर सकते हैं कॉलम को। ये कॉलम हम हटा देते हैं क्योंकि हमें इतनी नीड नहीं है इस कॉलम की। यहाँ पर एक कॉलम आना है, वो भी हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे कॉपी। तो जिस हिसाब की आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप कॉलम्स प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड कॉलम, ये कॉलम आपको 230 का करना है तो आप इसको भी 230 कर सकते हैं डायरेक्ट इस तरीके से, और अलाइन कर दीजिए। क्लियर। आप कॉलम के साइज चेंज करना या प्रॉपर उसके अंदर किस तरीके से आप चेंजमेंट कर सकते हैं वो सब आप सीखना चाहते हैं तो हमारी लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। PTS CAD Expert एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से किसी भी कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। Revit Architecture 3DX Max, Google SketchUp, AutoCAD, Civil 3D, किसी भी कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं वहां पर जाकर, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा कॉलम का प्लेसमेंट। अब हमें क्या करना है, बीम प्लेसमेंट। तो बीम प्लेसमेंट हम करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जब भी आपको बीम प्लेस करना हो आप सेम साइज, सेम अलाइनमेंट के साथ, सेम साइज के साथ आप बीम प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रक्चर टैब में होता है बीम, तो बीम में जाना है आपको, और यहाँ से कहाँ तक आपको बीम चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर, किस लेवल पर चाहिए हमें, लेवल 2 पर, इस तरीके से सेलेक्ट, एंड देन आपको सिर्फ पेरिफेरल एक शेप बनाना है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन कनेक्ट, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको सेंटर से बीम बनाना है इस तरीके से, सेम ऐसे ही आपको यहाँ से यहाँ पर बनाना है। अब 3D में आप जैसे ही जाके देखेंगे तो आपको कॉलम और बीम प्रॉपर दिखेंगे इस तरीके से। मैं जो CAD का फाइल है उसे हाइड कर देता हूँ, तो इस तरीके से आपका कुछ शेप दिखेगा। अगर यही बीम्स आप चाहते हैं कि आपके बीम्स अपर लेवल्स पे भी रहें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं सभी बीम्स को, SA प्रेस करिए और कॉपी कर दीजिए, सेलेक्ट कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेकंड फ्लोर, ठीक है, लेवल सेकंड। तो यहाँ पर भी आपके प्रॉपर बीम लेआउट आ जाएगा इस तरीके से, क्लियर। आप इसको रियलिस्टिक में देखना चाहते हैं आप रियलिस्टिक में देख सकते हैं। तो बीम की प्लेसमेंट हमेशा आपकी कंडीशन, स्पैन और आपके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग प्लेस होती है कि आपका कितना गैप है उसके अकॉर्डिंग ही आप किस साइज का बीम रखेंगे, कॉलम आपका किस तरीके का आना चाहिए। अगर आपका नॉर्मल 10 से 12 फीट का कोई भी रूम है, स्मॉल रूम है, तो आप नॉर्मली 230 बाय 230 का कॉलम यूज कर सकते हैं। इससे हैवी, इससे ज़्यादा विड्थ का अगर रूम बनता है तो उससे ज़्यादा आपको भी साइज इंक्रीज करना होगा। रीबार का भी साइज उसके अकॉर्डिंग ही डिपेंड करता है, उतना ही मूव होता है। अब एलिवेशन में जैसे ही आप इसको जाकर देखेंगे तो एलिवेशन में क्या होगा, आपको नीचे फाउंडेशन तक भी दिखेगा लेवल 1, और उसके बाद लेवल 2 पर जो बीम आ रहे हैं वो सब भी दिखेंगे। अब बीम का साइज कम करना चाहते हैं, सेलेक्ट कर लीजिए सभी बीम को, और जो भी साइज है अभी यहाँ पर उससे कम आपको करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट टाइप में जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए बीम को सभी को, सेलेक्ट एडिट टाइप, एडिट टाइप में डुप्लीकेट कर लीजिए, अदरवाइज पूरे फैमिली के अंदर चेंज हो जाएगा कंप्लीट। 230 बाय 300 का मैं यहाँ पे बीम बना देता हूँ, ओके, एंड देन यहाँ पे हम कर देते हैं 300, ओके। तो जैसा ही आप देखेंगे यहाँ पे चेंज आपको दिखेगा प्रॉपर, ठीक है। ये होता है हमारा बीम प्लेसमेंट और कॉलम प्लेसमेंट। तो इस तरीके से आप बीम एंड कॉलम प्लेसमेंट कर सकते हैं, इस तरीके से आप एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब रीबार्स किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, हमारे पास यहाँ पर रीबार्स का पोर्शन होता है कि रीबार किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे। आप जैसे ही लेवल्स में जाते हैं, एलिवेशन में जाते हैं, आप रीबार्स प्रोवाइड कर सकते हैं। रीबार्स यहाँ से आपको सिर्फ फैमिली इंपोर्ट करवाना है, और जहाँ भी आपको रीबार प्रोवाइड करना है कॉलम बीम के अंदर वो कर सकते हैं। कभी भी आपको फुटिंग लगाना है तो आप फुटिंग भी प्लेस कर सकते हैं, बस आपके पास फैमिली लोड होना चाहिए और आपको फैमिली में जाके सिर्फ फुटिंग प्लेस करना है। तो कुछ इस तरीके का आपका दिखेगा स्ट्रक्चर पार्ट।
कोलम का साइज हमेशा आपके डिस्टेंस के ऊपर मेंटेन करेगा, रीबार्स का साइज भी उसी के ऊपर रहेगा आपका डिपेंड, और इसी तरीके से आपके बीम प्लेस होते हैं। अगर आप यहाँ पे स्लैब लगाना चाहते हैं तो स्लैब किस तरीके से आएगी वो भी देख सकते हैं हम। यहाँ पे हम जाते हैं फ्लोर, स्ट्रक्चरल फ्लोर, एंड देन यहाँ से हम फ्लोर बना देते हैं, आउटर पॉइंट से हम यहाँ से फ्लोर बना देते हैं कि किस तरह का हमें फ्लोर चाहिए और कौन सा फ्लोर चाहिए। सेलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, यहाँ से हमें कौन सा फ्लोर चाहिए, हमें फिनिश के साथ चाहिए, एंड देन चेक। तो आपके पास यहाँ पर फ्लोर भी जनरेट हो जाएगा इस तरीके से। अगर आप इसका सेक्शन भी कट करके देखते हैं, लेवल वन में जाइए और आप इसका सेक्शन कट करके देखिए तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि सेक्शन किस तरीके से आएगा इसका, आपका फिनिश भी दिखेगा फ्लोर के अंदर। यहाँ से मैं सेक्शन कट करता हूँ और इस तरीके से मैं कट कर देता हूँ यहाँ पर, एंड देन चेक सेक्शन। ठीक है, मैं यहाँ से फाइन व्यू करता हूँ तो यहाँ पे आपको फिनिश भी दिखेगा और आपका स्लैब भी दिखेगा। स्लैब कहाँ बनाए ये देखिए आपके सामने फिनिश भी आएगा, 50 mm का ऊपर फिनिश है, इसके अलावा आपका स्लैब आ जाएगा। क्लियर, ये आपका कैड फाइल है, इसको आप हाइड भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका फिनिश आ जाएगा और जो बीम है वो भी आपका उसके स्ट्रक्चर के अंदर ओवरलैप कर जाएगा प्रॉपर। कंप्लीट हाइट देखना चाहते हैं वो भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये होता है हमारा बीम कॉलम प्लेसमेंट और स्लैब किस तरीके से आप प्रोवाइड कर सकते हैं, कितना स्पैन होना चाहिए तब आप 9 इंच का कॉलम यूज करते हैं। अगर आपका ज़्यादा है स्पैन तो आपको कॉलम का साइज भी उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करना पड़ेगा। मोस्ट कॉमनली रेजिडेंशियल में हम 9 इंच का कॉलम यूज करते हैं, बट जैसे ही आप कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं तो 300x300 मतलब 1 फिट से अबव के आप कॉलम यूज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप बीम भी प्लेस करेंगे। रीबर्स के साइज भी लोड के अकॉर्डिंग आपके चेंज होते रहते हैं, तो जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं तो लोड को ध्यान में रख के ही कैलकुलेशन किया जाता है। स्ट्रक्चर का पार्ट कुछ इस तरीके से डिफाइन होता है। अगर आप प्राइवेट आर्किटेक्चर प्रॉपर सीखना चाहते हैं बेसिक टू प्रोफेशनल तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे।